भाइयों आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी मांग बिल्कुल जायज है। आप लोगों से सवाल के माध्यम से भी हम देश तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे। एक NCTE है, 1993 में भारत सरकार ने उसको मान्यता प्राप्त एक संस्था बनाया है, जिसका काम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो देश भर में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में वो एक गाइडलाइन जारी करता है, करिकुलम जारी करता है और तमाम काम करता है। उसी के मद्देनजर उन्होंने 28 जून 2018 को NCTE ने एक राजपत्र जारी करके बोला था, साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि BEd भी 1-5 मतलब प्राथमिक के लिए एलिजिबल है। उसी के मद्देनजर देश भर के करोड़ों BEd अभ्यर्थियों ने, यहाँ जो लोग भी आया है, सभी लोगों ने 28 जून 2018 के गजट के बाद हम सभी लोगों ने BEd किया, सिर्फ इसी मद्देनजर रखते हुए कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं। क्योंकि हायर के लिए TGT PhD के लिए होता क्या है कि जो BTech कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, BCom कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं होते हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। लिहाजा हम सबका एकमात्र उद्देश्य था कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, हम BEd किए, हमने 2 साल BEd किया, जितनी भी फीस सरकार ने मांगा हमने दिया। अब क्या हुआ कि इसी 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस गैजेट को ही रद्द कर दिया। सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि NCTE ने जो गजट बनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन्होंने पूरा जो प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, उन्होंने मनमानेपन के कारण बनाया था। अब सवाल यही है कि उस मनमानेपन का शिकार हम क्यों हो, NCTE की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते हैं। यही पीड़ा लेकर, यही तकलीफ लेकर, यही आक्रोश लेकर हमारे सपने चौपट हो गए। हमने KBS में एग्जाम दे रखा था, उसकी इंटरव्यू होने वाला है, हम उससे बाहर होने की कगार पर है। हमने BPSC का फॉर्म डाला था, 24-25 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम से हम वंचित होने जा रहे हैं। हमने लगातार हमारी मांग सिर्फ यही है, बुनियादी मांग है कि NCTE की गलतियों की सजा हम छात्र नहीं भुगतेंगे, इसके लिए चाहे कुछ जो कुछ भी करना पड़े। हमारी मांग सिर्फ है कि सरकार अध्यादेश लाए और BEd कैंडिडेट को प्राथमिक में एलिजिबल बनाए, यही बुनियादी मांग है। इसी बुनियादी मांग को लेकर देश भर में आज प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री NCTE को लाखों पत्र, हमने 2 दिन 10-10 लाख की संख्या में ट्विटर कैंपेन चलाया, सरकार सुनने को राजी नहीं है। हम अभी ज्ञापन